अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मन की बात मोदी के साथ संकल्प पत्र संकलन रथ यात्रा के माध्यम से भारत के करोड़ों लोगों के मन की बात भाजपा के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाई जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देश के लोगों की भावनाओं को जानकर पार्टी का घोषणा पत्र बना सकें। ये बात विश्राम गृह में प्रेस वार्ता के दौरान यात्रा के लोकसभा संयोजक जगमोहन यादव ने कही। यात्रा के लोकसभा प्रभारी अर्जुन पंडित ने कहा कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा के गांव और शहर में ये यात्रा जाएगी और लोगों के मन की बात लेगी। रथ यात्रा की अध्यक्षता बरवाला विधानसभा के संयोजक देवेंद्र शर्मा ने की और यात्रा में आए पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता सुरेश गोयल, ईश्वर सिंह जालंधरा, रमेश खटक, सौरभ मित्तल, पवन शर्मा, कृष्ण वर्मा, सत्यवान सरसोद, बुद्धराम गुप्ता व राम कुमार दुग्गल सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत के मन की बात मोदी जी के साथ संकल्प यात्रा बरवाला पहुंची है। बरवाला पहुंचने पर इस यात्रा का हार्दिक स्वागत किया जाता है। इसमें क्या है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने लोगों के मन के बात से अपना संकल्प पत्र तैयार करने की योजना बनाई है। इसमें हर एक 12 करोड़ भारतवासी सभी अपना अपने मन की बात मोदी जी के पास भेजेंगे और उनमें से जो भी बात अच्छी लगेगी उसको एक संकल्प पत्र के तौर पे तैयार किया जाएगा और चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र तैयार होगा उस घोषणा पत्र में उनकी बातों का महत्व दिया जाएगा। जगमोहन यादव, लोकसभा संयोजक, भारत की बात मोदी जी के साथ संकल्प पत्र संकलन यात्रा 7 फरवरी को गुड़गांव से जो है संकल्प यात्रा जो है प्रारंभ हुई है और प्रत्येक लोकसभा में ये यात्रा होकर गुजर रही है। जो हमारे आज बरवाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है हिसार लोकसभा क्षेत्र की ये यात्रा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम चुनावी घोषणा पत्र को एक संकल्प का नाम दे रहे हैं। हमने चुनावी घोषणा पत्र को चुनावी घोषणा पत्र न कह करके संकल्प पत्र उसको कहा है। वो संकल्प हमने लोगों से आमंत्रित किए हैं, जो सुझाव है उनको हमने संकल्प का नाम दिया है कि जो लोगों के सुझाव, जो लोगों के मन की बात जो हमारे पास आएगी हम उनको अपने संकल्प के रूप में लेकर के और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी ने मिलकर तय किया कि जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है वो जनता के लिए किया जाता है, तो उन नीतियों का निर्धारण हम क्यों ना जनता से पूछकर ही करें। और सभी कहते हैं कि मोदी जी जो है अपने मन की बात तो करते हैं और हमारे मन की बात नहीं सुनते, तो सभी की मन की बात को जानने के लिए, सभी लोगों की इच्छा को जानने के लिए यह संकल्प पत्र संकलन यात्रा जो है यहां बरवाला पहुंची है और लोगों की राय कि किस प्रकार से विकास होना चाहिए, किस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए, किस प्रकार से ग्राम का जो है विकास कैसे हो, शहरों का जो स्वच्छ एक सुंदर जो शहर है उसका निर्माण हो उसका किस प्रकार से किया जाए, तो लोगों के जो सुझाव हैं वो हम इस संकलन करके यात्रा के माध्यम से उनके लोगों के विचार हम जो है लेंगे और उन अच्छे होंगे जो कि जिनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे 10 करोड़ विचार जो हैं, 10 करोड़ लोगों के मन की बात जो है हम 2 मार्च को हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सौंप देंगे ताकि हम उनको पूरा करने का जो है वो कार्य करें। तो जैसे हमारे अर्जुन पंडित जी जो हमारे लोकसभा के हिसार के प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि 90 जो रथ हैं वो प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से हिसार से 15 फरवरी को जो है प्रत्येक विधानसभा के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमारी जो हिसार लोकसभा है उसमें 9 विधानसभाएं रहती हैं, तो 9 के 9 विधानसभाओं के हमने जो है संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी जो है 15 फरवरी को अपने अपने विधानसभा के हिसाब से अपने रथ को लेकर और प्रत्येक गाँव में जो है प्रत्येक लोगों के जो मन की बात है उनको संकलन करने का कार्य इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। धन्यवाद। कब तक चलेगी यात्रा? ये यात्रा 15 फरवरी से और 22 मार्च तक रहेगी जी। 22 फरवरी तक। हाँ जी, 7 दिनों के लिए 1 सप्ताह की यात्रा रहेगी।
जिसमें पूरे हरियाणा में 95 रथ जो है रहेंगे, 5 लोकसभा के और 90। इस रथ यात्रा में कौन कौन लोग होंगे? इस रथ यात्रा के साथ जो हमारे प्रदेश के संयोजक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से संयोजक नियुक्त किए गए हैं और उसके बाद उसके नीचे स्तर पे प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं जो इस रथ यात्रा के साथ चलेंगे और लोगों से जो उनके विचार हैं वो संकलन करने का कार्य करेंगे। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी बरवाला की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।